आपने जो कहा था क्या वो सच है? क्या आप सच में करण को ठीक कर सकती हैं? मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। और मेरे पास आप पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है। तो ठीक है, मत करो, तुम्हारी मर्जी। करण को ठीक करने के बदले में आपको क्या चाहिए? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बदले में कुछ चाहिए होगा? आप बिना अपने फायदे के कभी कुछ नहीं करती। जिस बेटे को पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया था, उसके लिए अचानक इतना प्यार नहीं उमड़ सकता कि बिना किसी मकसद के आप उसे ठीक करना चाहे। अरे वाह, मेरा बेटा मुझे इतनी अच्छी तरह समझता है, जान के खुशी हुई। मुझे करण से उसके पंख चाहिए थे, जो मैं आसानी से ले लेती अगर तुम बीच में ना आए होते तो। लेकिन उस बेवकूफ ने पिया और मुन्ने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और साथ ही साथ अपने पंख भी उसने तुम्हें दे दिए। इसीलिए मुझे अब तुमसे सौदा करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ तुम करण को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हो। समझ लो, उसके एहसान का बदला चुकाने का एक मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, अब तुम अपने भाई के लिए कुर्बानी देके हिसाब बराबर कर सकते हो। करण के पंख मुझे देके इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है अंश? तुम अच्छी तरह जानते हो करण को मैं इसलिए ढूंढ के लाई थी क्योंकि मुझे उसके पंख चाहिए थे। तुम अपने भाई के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए, अपना भाई या भाई के पंख? क्या हुआ बहू रानी, बहुत परेशान लग रही हो? अरे रे 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 रे, अपना गुस्सा बेचारे इन सब्जियों पे क्यों निकाल रही हो? वैसे और तुम कर भी क्या सकती हो, अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही होगी ना। दैविक होके भी अपने परिवार के लिए तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। अपने परिवार के लिए मैं क्या कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकती। तो आज देख ही लेते हैं तुम क्या कर सकती हो और किस हद तक जा सकती हो। पहले तुम अपनी वेदर्शी माँ की रक्षा करके दिखाओ, तो जानो। कमाल है, तुम्हें अपने परिवार, अपनी वेदश्री माँ की रक्षा करनी है पिया, और तुम यहाँ एक डायन की रक्षा करने में लगी हुई हो। इस गलत फहमी में मत रहना, मैंने जो किया अपनी वेदश्री माँ के लिए किया। माँ, वेदश्री माँ की बहुत चिंता है तुम्हें, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी असली सास वेदश्री नहीं, मैं हूँ। अंश को उसने सिर्फ पाला है, मैंने उसे जन्म दिया है, इसलिए बेहतर ये होगा तुम मेरी सेवा किया करो बहू रानी। बेवकूफ दैविक, इसे लगता है ये अपने परिवार को मुझसे बचा लेगी। बचाएगी तो तब ना, जब इसे समझ आएगा कि हो क्या रहा है।
ये डायन कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। इससे पहले ये इस परिवार के लिए खतरा बने, मुझे माँ को रक्त बंधन से मुक्त करना है ताकि मैं इस डायन को घर से बाहर कर सकूं। बात क्यों नहीं कर रहे आप मुझसे? कहाँ बात करें हम आपसे? आपसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि 2-3 दिन बस आप अपने असली अवतार में बताइएगा, 2-3 दिन एडजस्ट कर लीजिएगा, मौसी जी आई हैं अब। लेकिन आपसे वो भी नहीं रहा गया। अरे कुछ नहीं परवर, नहीं रहा गया ना आपसे, आप अपने असली रूप में आ गई, मौसी जी देख के आपको डर के भाग गई। लेकिन वो आपकी बेइज्जती कर रही थी। अरे क्या बेइज्जती कर रही थी, इससे ज्यादा बेइज्जती हमारी हुई है। सनम जी हम अभी अभी इज्जतदार हुए हैं। आप मुझे डांट रहे, गलती आपकी मौसी की थी और आप मुझे डांट रहे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बाय। अरे सुनिए, अरे यार ये कहां चली गई अभी? अभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो तो जाएगी ही, तेरी हरकतें जो ऐसी हैं। अब क्या कर दी अम्मा हम? पता अंधी मैं हूं या तू? ए अम्मा देखो, हमारा माथा ना पहले से भिन्नाया हुआ है। ये फालतू का सवाल जवाब करके ना हमारा माथा और मटन खाओ यार। क्या हुआ हमारी आंख को? ठीक ठाक तो है हमारी आंखें? तो फिर तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे का दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाह रही हूँ, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने बेड रखा हुआ है, उस पर 2 तकिया है, वो फोटो फ्रेम है। लेकिन वो नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए। तूने देखा, छोटी ने जो कुछ कहा सनम ने सब सुना। लेकिन उसे गुस्सा कब आया? उसे गुस्सा तब आया जब छोटी ने तुझे उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया। इसका मतलब समझता है तू बेवकूफ? बाबा कोई तो तरीका होगा उस रक्त बंधन को तोड़ने का, क्योंकि माँ को रक्त बंधन से मुक्त कराए बिना हम मोहना को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और मोहना का घर में रहना मतलब सबके लिए खतरा। गुड़िया मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो एक डायन अपना बनाया हुआ डायन रक्त बंधन आसानी से तोड़ सकती है, लेकिन ये वाला रक्त बंधन बेटरी जी ने बनाया, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। आसान हो या मुश्किल, हमें ये रक्त बंधन तोड़ना ही होगा, क्योंकि मोहना इसी बात का फायदा उठाकर घर में डेरा डाल के बैठी है। बाबा सही कहा तुमने, एक बात तो तय, मोहना इस घर में इसलिए तो नहीं आई है कि वो यहाँ रहना चाहती है, उसका मकसद कुछ और है। जरूर उसके दिमाग में कोई बड़ा प्लान है जिसके बारे में हमें नहीं पता। आप सही कह रहे हैं बाबा, मोहना हमारे घर में है और हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक तरफ माँ बीमार है और दूसरी तरफ अंश अभी करण के गिल्ड से बाहर नहीं आ पा रहा है। मुझे डर है बाबा, कहीं मोना उसके गिल्ड का फायदा ना उठाए और उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड, क्या हुआ बाबा? एक तरीका है जिसे हम आजमा सकते हैं। क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया पापा, मुझे लगा जैसे हमारे अलावा और कोई भी है यहाँ। हमारे अलावा?
मुझे पता था दावंश के साथ जोर जबरदस्ती काम नहीं आएगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी ताकत को आजमाने की बजाय तुम्हारी कमजोरी पे वार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो सकता है पापा, लेकिन अगर वहम नहीं हुआ तो ओके ओके रिलैक्स। अगर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा यहाँ है भी तो हमें पता चल जाएगा। रुक जाइए, जितना मैं पापा को जानता हूँ उन्होंने यहाँ कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया होगा ताकि कोई भी आसानी से करण तक ना पहुंच सके, और अगर कोई पहुंच भी जाए तो उन्हें पता चल जाए। इसलिए हमें जो भी करना होगा सावधान।